कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं राकेश उपाध्याय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट पे। दोस्तों, उल्कापिंडों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या कभी आपने सुना है कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए या टकराया हो? शायद ये घटना आपके सामने न हुई हो, लेकिन आपने सुना होगा जब डायनासोर थे तो अचानक वो गायब कहां हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि वो जो उल्कापिंड थे उसमें से कोई एक उल्कापिंड, कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया होगा और उसके द्वारा सारे के सारे डायनासोर नष्ट हो गए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक उल्कापिंड के बारे में बताया है जो कि 2028 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा। संभावना ये जता रहे हैं, हो सकता है न टकराए लेकिन टकरा भी सकता है, एक संभावना हो सकती है, तो उसके लिए भी वैज्ञानिक तैयार हैं। असल में मैं आपसे बात करूं तो शोध में स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2028 में उल्कापिंड 1970 × F11 पृथ्वी के बिल्कुल समीप से गुजरेगा, जिसकी गति लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह उल्कापिंड 15 मेगाटन के हाइड्रोजन बम के बराबर होगा और उसकी ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कहीं ज्यादा होगी। यह पृथ्वी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरिजन के डॉक्टर जॉन्स वी स्कॉटी ने 6 दिसंबर 1997 को इन उल्कापिंडों की खोज की। उनका अनुमान आकार लगभग 20 मंजिल मकान के बराबर है। हालांकि नासा ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की संभावना लगभग नगण्य है। नासा के अनुसार पृथ्वी से 16.7 मिलियन दूरी की से ये गुजरेगा। फिर भी किसी भी आपदा से निपटने के लिए नासा तथा कई अंतरिक्ष एजेंसी जल्दी परीक्षण करने जा रही हैं। यह परीक्षण किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अंदर वास्तविक स्थितियों में किया जाएगा। इससे पता लगाने की कोशिश होगी कि भविष्य में किन तरीकों से और तकनीकों से हम इन उल्कापिंडों के खतरे से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दूसरों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।